करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस नामक एक्सरसाइज को करने वाले हैं, जिसमें हमें केवल ए एंड द का सही भरना है, जहां आवश्यकता है वहां लगाना है, जहां नहीं आवश्यकता है वहां हटाना है। तो देखिए पहला सेंटेंस है हमारा, क्या पहला सेंटेंस है हमारा, देखो देखिए, द वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवॉर्ड। वर्च्यू क्या है, गुण है, और ये एक अवस्ट्रक्ट नाउन है, तो अवस्ट्रक्ट नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, तो जिसमें जो दाया है वो नहीं आएगा, हमारा सही सेंटेंस हो जाएगा वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवॉर्ड। अब सही है, ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड। तो देखिए ये राम की ईमानदारी है, राम की ईमानदारी है तो ये प्रॉपर नाउन बन गया, तो इसलिए आएगा द ऑनेस्टी ऑफ राम, इसके साथ क्या आएगा आर्टिकल द का यूज होगा। ताज इज अ यूनिक, यूनिक देखो ये क्या, ये यूनिक या से यानी यू से शुरू हो रहा है, यू यानी हमारा यू क्या होता है, एक कॉन्सोनेंट होता है हिंदी वर्णमाला के अनुसार, और कॉन्सोनेंट है ठीक है, कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट के साथ हम लोग क्या नहीं करते, कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, ए लगाते हैं ठीक है ना। तो यहां ताज इज अ यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, जो ताज है, ताज क्या आएगा, प्रॉपर नाउन है, तो इसके साथ क्या आएगा द आएगा, यूनिवर्सल हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, जब हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं उनसे पहले हम द का यूज करते हैं। तीसरा चौथा देखो, आयरन इज अ यूजफुल मेटल, तो ये जो साउंड्स आ रही है यूजफुल काय की आ रही है, या की आ रही है, या क्या है हिंदी वर्णमाला का एक व्यंजन है, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के साथ हम लोग क्या लगाते हैं ए लगाते हैं, तो इसकी जगह क्या आ जाएगी, एन की जगह ए आ जाएगी, आयरन इज अ यूजफुल मेटल। दूसरा देखो, डोंट ट्राई टू मेक फूल ऑफ मी, तो मेक के साथ आपने देखा है डोंट मेक अ नोइज, तो क्या आ जाएगा यहां ए आएगा है ना, देखो क्या आएगा ए, डोंट ट्राई टू मेक मी आ, डोंट ट्राई टू मेक अ फूल ऑफ मी है ना। छठवां देखो, ही इज यूरोपियन, ये भी यहां से साउंड आ रही है ई की है ना, तो यहां क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, ही इज अ यूरोपियन ठीक है। जो रिच है ये एडजेक्टिव है, तो कलेक्टिव नाउन का काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा द रिच, द रिच शुड हेल्प द पुअर है ना, ये स्मॉल लेटर में लिख लेना, द रिच शुड हेल्प द पुअर, अमीरों को गरीबों की सहायता करनी चाहिए। नितिन इज यूनिवर्सिटी, इसकी भी साउंड का इशारी या से आ रही है, तो इसलिए एन की जगह क्या हो जाएगा ए हो जाएगा ठीक है, ए, नितिन इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, नितिन एक विश्वविद्यालय का छात्र है। सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, तो देखिए सन क्या है, एक संसार में एक ही है, इसलिए इसके साथ क्या आएगा द आएगा, द सन राइज इन द ईस्ट, जब डायरेक्शन से पहले प्रपोजिशन का यूज होता है तो हम वहां क्या लगाते हैं द का यूज करते हैं, द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट है ना, तो डायरेक्शन से पहले प्रपोजिशन आया इसलिए हमने क्या लगा दिया द लगा दिया। दसवां देखो, दिस इज अ यूजफुल बुक, तो या से साउंड आ रही है इसलिए एक एन की जगह क्या हो जाएगा या ए हो जाएगा, दिस इज अ यूजफुल बुक। आगे इनको रेस कर देते हैं, आगे देखें, दस्तक हो गया हमारा, देखो आगे, देखो द लव इज इट साउंड रिवॉर्ड, तो लव के आगे जो दाया है वो हट जाएगा, तो लव इज इट साउंड रिवॉर्ड, लव क्या है एक अवस्ट्रक नाउन है। आई डू नॉट पे द ही टू हिज नॉनसिकल टॉक्स, I do not pay
ही टू हिज नॉनसिकल टॉक्स। आई डू नॉट पे अ हीड टू हिज नॉनसिकल स्टॉक्स। दसवा इट इज अ वर्ल्ड वेयर, इट इज अ वर्ल्ड वेयर टू द रिच। क्या हो जाएगा, द रिच हेट द पुअर। यह एक संसार है जहां अमीर लोग गरीबों से घृणा करते हैं। माई फ्रेंड इज इन ग्रेट ट्रबल, तो ए नहीं आएगा है ना इनके साथ। द गेम हैज कम टू एंड, तो दा नहीं आएगा। अ गेम हैज कम टू एन एंड, गेम हैज कम टू एंड है ना, एन नहीं आएगा, कम टू एंड हो जाएगा है ना। देखिए द मोर यू गेट, कंपेरेटिव डिग्री है दोनों, जब दोनों कंपेरेटिव डिग्री हो तो उनसे पहले द का यूज होता है। द मोर यू गेट द मोर यू वॉन्ट। ही विल टॉक आर ए आर, हर नहीं पढ़ेंगे आर पढ़ेंगे, तो आर पढ़ेंगे तो यहां क्या हो जाएगा एन, ठीक है। ही विल टॉक एन आर टू फिनिश दिस वर्क, टॉक नहीं है टेक है। हिज फादर इज एम पी, एम पी काय से साउंड आ रही है, बॉबल से साउंड आ रही है, इसलिए क्या हो जाएगा एन, ठीक है। हिज फादर इज एन एम पी, ही इज वन आइज्ड मैन, तो देखिए ही इज अ वन मैन, वन आइज्ड मैन, तो वन आइज्ड को क्या कर देंगे हम लोग, वन आइज्ड को क्या कर देंगे हम लोग, देखो हिज फादर इज अ वन आइज्ड, व से साउंड आ रही है आएगी वन वन, तो इसके आगे ही इज वन आइज्ड मैन, ही इज अ वन आइज्ड मैन। फ्रेंच डिफीटेड जर्मन, तो फ्रेंच देश की बात हो रही है, फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन्स। गांधी जी वॉज, तो ग्रेटेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, और हमने पढ़ा है सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का यूज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा द। गांधी जी वॉज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम। इट इज अ बेस्ट बुक, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, जिससे पहले हम क्या लगाते हैं द का यूज करेंगे, तो एक ही जगह क्या आ जाएगा द, ठीक है। इट इज द बेस्ट बुक। गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल, तो गोल्ड क्या है, गोल्ड एक मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन से पहले द का यूज नहीं करते, तो यहाँ द नहीं आएगा। चौबीसवा देखो, चौबीस क्या कह रहा है, चौबीस कह रहा है हमारा कि इंदूस इज अ लॉन्ग रिवर इन द पंजाब, तो इंदूस क्या है, नदी का नाम है, और नदी के नामों से पहले द का यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इंदूस इज अ लॉन्ग रिवर इन द पंजाब। मुंबई इज मैनचेस्टर ऑफ पंजाब, जब दो प्रॉपर नाउन की तुलना कॉमन नाउन की तरह होती है तो उससे पहले हम द का यूज करते हैं, तो मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तो मुंबई है वो भारत का मैनचेस्टर है। तो देखिए ही इज ऑनरेबल, ऑनरेबल नहीं पढ़ते इसको, क्या पढ़ते हैं ऑनरेबल, तो बॉबल से साउंड आ रही है इसलिए यहां क्या आ जाएगा एन आएगा, ठीक है। ही इज एन ऑनरेबल मैन। यूएसए इज आर रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो यूएसए संयुक्त नाम है, कुछ देशों के नाम से पहले हम द का यूज करते हैं, उनमें से यूएसए भी उन्हीं देशों में आता है जिनके साथ हम द का यूज करते हैं। गंगा क्या है, गंगा एक नदी का नाम है, हिंदुओं की धार्मिक नदी है, पवित्र नदी है, इसलिए क्या है, द गंगा इज अ माइटी रिवर। और रिच एडजेक्टिव से पहले द लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, द रिच प्रॉस्पर एंड द पुअर सफर। ही इज द मेंबर ऑफ एन यूनियन, ही इज द मेंबर ऑफ, यहां क्या हो जाएगा ए यूनियन है ना, यूनियन का ही साउंड आ रही है यहां से यूनियन है ना। मिस्टर तिवारी इज एम एल ए, एम एल ए, तो का ही साउंड आ रही, बॉबल से आ रही, इसलिए यहां क्या आएगा एन। मिस्टर तिवारी इज एन एम एल ए, ही इज मेकिंग, मेकिंग के साथ क्या आएगा ए, ही इज मेकिंग अ नॉइज। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये ऑनेस्टी क्या है,
क्या है भाई? ऑनेस्टी है आपकी, अबस्ट्रैक्ट नाउन, और अबस्ट्रैक्ट नाउन से पहले दा का यूज नहीं करते तो इसमें क्या नहीं आएगा? दा नहीं आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।